हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहरुख और आप देख रहे हैं सारगर टेक्निकल। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करें फ्लेम वीपीएन एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, एप्लीकेशन क्या है, पूरी जानकारी इस एप्लीकेशन के बारे में इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो कभी भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों, ये एक प्रॉक्सी वीपीएन एप्लीकेशन है जिसके अंदर यहाँ पे आप अनलिमिटेड इसको प्रॉक्सी वीपीएन यूज कर सकते हैं, आईपी वगैरह चेंज कर सकते हो आप यहाँ से, जो कि सर्वर्स का एंजॉय योर फास्ट ब्राउजर एप्लीकेशन। तो चलिए करते हैं, आपको बताता हूँ इस एप्लीकेशन का यहाँ पे एक्टिविटी इस प्रकार से। दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे आपको यहाँ से सर्वर्स अवेलेबल्स हो जाएंगे गो प्राइम वाले, और उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे आप जो कि फ्री वाले सर्वर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे कंट्रीज़ के सर्वर्स आपको अवेलेबल्स हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं मैं एप्लीकेशन को ओपन, और आपको बताता हूँ इस एप्लीकेशन को यूजिंग साइट किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से ओपन हो के आएगा दोस्तों, जिसके अंदर यहाँ पर आपको गो प्राइम्स वगैरह लेना चाहते हैं, जो कि जैसे रहते हैं दोस्तों वीपीएन सर्वर्स जो कि रहते हैं, जो वीआईपी सर्वर्स वगैरह रहते हैं, उसको यहाँ पर आप गो प्राइम से यूज़ कर सकते हो, कनेक्टिविटी ले सकते तो यहाँ पे इजीली। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कंट्रीज़ के सर्वर्स दिखाई दे रहे होंगे, जो कि यहाँ से सिलेक्टिव और सर्वर्स वगैरह आप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों एक स्टेटस वगैरह दिखाई दे रहा हूँ डिसकनेक्टिविटी का, जो कि डिसकनेक्टिविटी का ऑप्शन इस प्रकार से है, जो कि कनेक्टिविटी और डिसकनेक्टिविटी यहाँ से ऑन होती है, जो कि ऑटो सेलेक्टिविटी ऑप्शन दिखाई देगा आपको, यहाँ से डायरेक्टली ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों आप। तो चलिए करते हैं मैं यहाँ पर कंट्रीज़ के सर्वर्स के ऊपर टच करने के बाद आपको दोस्तों गो प्राइम वाले के बाद में बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर फ्री में ये सर्वर्स अवेलेबल्स हो जाएंगे आपको, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के सर्वर्स आपको फ्री में यूजिंग करने को मिल जाएंगे। किसी भी कंट्रीज के सर्वर्स को आप कनेक्टिविटी पे ले सकते हो, जैसे कि मैं इस कंट्रीज के सर्वर्स को यहाँ पे सिंगापुर के सर्वर्स को कनेक्टिविटी पे ले लेता हूँ। कनेक्टिविटी पे लेने के बाद यहाँ से परमिशन ओके कर देता हूँ, कुछ परमिशन मांगेगा अलाउ कर देता हूँ। यहाँ से अलाउ करने के बाद यहाँ पे कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, कुछ सेकंड का लोड लेंगे, और लोड लेने के बाद यहाँ पे रेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। रेटिंग देने के बाद सक्सेसफुली कनेक्टिविटी हो चुकी है दोस्तों, आप देख सकते हो ऊपर की साइड पर यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्टिविटी होके आ चुकी है। तो इस प्रकार से सिंपल सा कुछ नहीं करा दोस्तों, मैंने यहाँ पे इस लाइन पे गया हूँ, यहाँ पे लाइन पे जाने के बाद एक सर्वर्स कनेक्टिविटी भी लिया, कनेक्टिविटी भी लेने के बाद उसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद सर्वर्स कनेक्टिविटी होके आ चुका है दोस्तों। अभी तक यहाँ से डिसकनेक्टिविटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा था, अब कनेक्टिविटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा जो कि स्टेटस में। तो इस प्रकार से कनेक्टिविटी आपने तो ले चुकी है, और इसके बाद दोस्तों ये जो कि ऑटो सेलेक्टिविटी ऑप्शन है, डायरेक्टली ये वर्किंग डायरेक्ट आपका सर्वर्स कनेक्टिविटी पे आ चुका है, तो डायरेक्टली आप गेमिंग नेटिंग यहाँ से अन्य एप्लीकेशन वगैरह पे यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट इजिली। डायरेक्ट वर्किंग साइड ये जो कि सर्वर चेंज हो चुका है आपके मोबाइल का, और आप डायरेक्टली नेटवर्क साइट से आप ऑप्शन लेके जो कि डायरेक्टली ऑप्शन ऐड हो जाएगा उस पर, और ऐड होने के बाद डायरेक्टली कनेक्टिविटी काम करना स्टार्ट कर देगा दोस्तों। तो गेमिंग के लिए तो बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन है, जिसके अंदर एक प्रॉक्सी एप्लीकेशन है, इजिली यूज़ कर सकते हो दोस्तों। इसको कनेक्टिविटी तो ले चुके हैं दोस्तों, डिसकनेक्टिविटी ऑप्शन कैसा करेंगे, तो सिंपल सा राइट का ऑप्शन दिखाई दे रहा हूं आपको, राइट के ऑप्शन पर टच कर देना है। टच करते ही यहां से अभी कनेक्टिविटी दिखाई दे रहा था स्टेटस में, डिसकनेक्टिविटी होके आ चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस एप्लीकेशन का यूजिंग साइड है, जिसके अंदर आप इजीली तरीके से इसको यूज कर सकते हो दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो कर देना लाइक, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।